हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको मेट्सो एनडी 9000 सीरीज़ का पोजिशनर जो है, स्मार्ट पोजिशनर, उसके बारे में बताऊंगा। उसका जो पैरामीटर्स है, उसका फंक्शंस क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये पोजिशनर जो है, पिछले बार ये ऑटो कैलिब्रेशन फेल हुआ था, उस टाइम पे वो स्पूल जाम हुआ था, तो स्पूल को क्लीन करके दोबारा लगाया हूँ और ऑटो कैलिब्रेशन किया हूँ और कैलिब्रेशन पास हो गया है। तो पहले हम लोग वाल्व चेक करते हैं, कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, क्या है। तो वाल्व बराबर काम कर रहा है। तो एक्चुअली इसका डिस्प्ले जो है वो आपको बराबर नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए मैं आज हार्ट के थ्रू आपको जो पैरामीटर्स है वो सब दिखाऊंगा। तो फिलहाल इसको जीरो कर लेते हैं। तो ये जो मेन पेज है हार्ट में, तो इसमें मिलियम्स दिखा रहा है आपका इनपुट सिग्नल और टेम्परेचर, पोजीशन का टेम्परेचर और प्रेशर, ये सब दिखा रहा है। तो इसको पैरामीटर में जाएंगे हम लोग, मेन मेनू, ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर असेंबली रिलेटेड सिग्नल मॉडिफिकेशन और फ्लो मॉडिफिकेशन। असेंबली रिलेटेड में मैक्सिमम आपका पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे वॉल टाइप, रोटरी और लीनियर। मेरा ये वॉल है रोटरी वाला, तो इसलिए मैं रोटरी सेलेक्ट किया। अगर आपका लीनियर होगा तो लीनियर सेलेक्ट कर सकते हो। डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग, मेरा डबल एक्टिंग वॉल है ये वाला, आपको अगर सिंगल एक्टिंग है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये डायरेक्शन है, रोटेशन डायरेक्शन, कंट्रोल क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज, और फेल टू क्लोज और ओपन, ये फेल टू क्लोज है और फेल टू ओपन, जो भी सेलेक्ट कर सकते हो। और ये परफॉर्मेंस लेवल, इसमें क्या है कि आप ये जो एग्रेसिव, फास्ट, स्टेबिलिटी, मैक्स स्टेबिलिटी, ये सब जो है ऑप्टिमम, ये सब जो है आपको वॉल का रेस्पॉन्स बढ़ा सकते हो, स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ ऑपरेशन आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो ई मैक्स स्टेबिलिटी, ये मतलब आप स्टेबिलिटी मतलब बराबर काम कर रहेगा। अगर आप एग्रेसिव रहेंगे तो हंटिंग होगा, फास्ट रहेंगे तो भी थोड़ा बहुत वॉल का रेस्पॉन्स बहुत स्पीड होगा लेकिन हंटिंग होने का चांसेस रहता है। तो ऐसा मैं ई मैक्स स्टेबिलिटी इसको सिलेक्ट किया हूँ। आप आपका वॉल का साइज के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। ये सिग्नल मॉडिफाई में आपको बाकी जो है, बाईपास मोड ऑन है कि नहीं है, तो बाईपास मोड ऑफ है। तो वह सिग्नल डायरेक्शन ओपन और क्लोज, सिग्नल डायरेक्शन कैसा है, ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है। ये पोजीशन लिमिट है, ये पोजीशन लिमिट जो है, देखिए जीरो टू लो में जीरो दिया है और हाई में 100% दिया है। अगर मैं पोजीशन लिमिट को हाई को 100 के बिना 50 कर देता हूँ उसको, तो 50 करके सेंड किया हूँ, बहुत ज़्यादा पैरामीटर सेलेक्ट हो गए, तो फिर से इसको 50 करके सेंड करेंगे। अभी तो उसका जो है, मैं पोजीशन हाई लिमिट जो 50 किया हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो वॉल है ये 50 से ऊपर नहीं खोलेगा। अगर जब मिलियम से मैं ज़्यादा दूंगा, मोर देन 50% भी, ये वॉल जो है 50 से ऊपर नहीं जाएगा। देखिए बराबर 50 में रुक गया। अब जितना मिलियम दीजिए, कम करिए, वो 50 से नीचे रहने आने से ही ऑपरेट करेगा, उससे ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा। तो लिमिट आप सेट कर सकते हो ऐसा, अगर रिक्वायरमेंट कभी आ सकता है कि मेरा वॉल इतना ओपन होना है तो ये सब। अगर मैं इसको इधर फिर से 100 कर दूंगा जो ओरिजिनल पोजीशन है, देखिए वॉल अभी है पूरा ओपन होने लगेगा। तो ऐसे आप सेट कर सकते हो कि पोजीशन हाई लिमिट और लो लिमिट,
और उसके बाद ये लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ है। अगर लो कट ऑफ 1% है तो देखिए वॉल बराबर काम कर रहा है। तो 4 मिलियन जब जीरो हुआ तो पूरा जो एयर है वो एडजस्ट हो गया। एक्चुएटर में अब क्लोज पोजीशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये टाइट क्लोज के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं ये 1% को इधर मैं 20% कर दूंगा, फॉर एग्जांपल, तो जब तक ये 20% मोर देन 20% का मिलियम्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर देखिए 7-8 आएगा तो वॉल खुलेगा टोटल 25%। लेस देन 20% वॉल पूरा क्लोज। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अभी क्या ना ये पूरा टाइट सेट है, पूरा क्लोज हो गया। तो इसलिए जनरली हम लोग इसको 1% रखते हैं, कभी कभार 2% भी रख सकते हैं कि अगर लेस देन 2% अगर मिलियम्स आया तो वॉल पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इसको नॉर्मल कर देते हैं, 1% में रख देता हूँ। और एक है स्प्लिट रेंज एप्लीकेशन। अगर स्प्लिट रेंज एप्लीकेशन में आपको 2 वॉल रहते हैं, ये 0 to 100 है। अगर मैं 0 to 50 कर देता हूँ इधर, तो वॉल जो है 12 मिलियम्स के बाद ही ऑपरेट होगा। देखिए अभी 0 पे है, मैं 7 मिलियम्स दिया हूँ, तो अभी वो 12 मिलियम्स बाद ही ऑपरेट होगा। और एवरी ये 12 मिलियम्स मतलब 12 to 20 मिलियम्स जो है 8 मिलियम्स स्पैन वो डिवाइड होगा, 2 to 2 मिलियम्स में आपको वो 25% खुलेगा। देखिए अगर मैं 14 मिलियम्स देता हूँ तो 25% खुलेगा, ठीक है। तो 16 दूंगा तो 50%, 25 दूंगा तो 18 दूंगा तो अब 75% ऐसा खुल जाएगा, और लेसर 4 मिलियम से वॉल पूरा क्लोज हो जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ तभी भी होगा, मतलब देखिए अगर मैं इसको 0 कर दिया हूँ और इसको 50 कर देता हूँ तो ये 0 to 50% काम करेगा, मतलब 12 मिलियन का। देखिए अगर मैं इसको कर देता हूँ 4 मिलियन, अगर 6 मिलियन दूंगा तो 25%, एट दूंगा तो 50%, 10 दूंगा तो 75%, और 12 देने से 100% और पूरा 100% खुल गया। तो वैसा आप एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, वो प्रोसेस के ऊपर निर्भर रहता है, ऑपरेशन के ऊपर, मतलब आपका स्प्लिट रेंज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी नॉर्मल मोड में आप इसको 0 to 100 कर देंगे तो ये 0 to 100% वॉल ओपन होगा। तो ये हो गया आपका सिग्नल मॉडिफाई जो भी है। उसके बाद तो मैंने मॉडिफिकेशन में उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है पैरामीटर जो कुछ चाहिए। तो ये कैलिब्रेशन है, ट्रैवल कैलिब्रेशन, ट्यूनिंग, ट्रैवल कैलिब्रेशन एंड ट्यूनिंग एंड 1 पॉइंट कैलिब्रेशन अभी मैं कर दिया हूँ। इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपका अगर ज़रूरत है कैलिब्रेशन उस टाइम पे कर सकते हैं। ट्रैवल कैलिब्रेशन आप कर सकते हैं कि जो ट्यूनिंग कर सकते हैं, तो आपका वॉल का रिस्पॉन्स चेंज होगा थोड़ा बहुत। ये देखिए एक और एक दूसरा ऑप्शन दिया है, वॉल ऑफसेट ऑफलाइन टेस्ट। अगर ये ऑफलाइन टेस्ट क्या होता है कि ये मल्टी पॉइंट टेस्ट स्टेप टेस्ट है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये मल्टी पॉइंट स्टेप टेस्ट कैसा होता है। देखिए पहले आपको टाइम कितना स्टेप करना है, एक ही स्टेप करना है, ठीक है, स्टेप वन। और कौन सा पोजीशन में, अगर मैं 50% दिखाया हूँ तो 50 में वॉल खुलेगा। दूसरा मैं इसको 90 कर देता हूँ, 90% 2 सेकंड के लिए, ठीक है। और ये 8 सेकंड टोटल ड्यूरेशन जो है इसका 8 सेकंड रहेगा। तो अब ये टेस्ट
चालू होगा, एस आल पैरामीटर्स आर करेक्ट। अभी इसको करने से एक्सेप्शन हो रहा है, देखिए आप इंडिकेटर देख सकते हैं, अभी पूरा 50% रखेगा, उसके बाद 90% जाएगा, हो गया ये जीरो। तो ऐसा टेस्ट वाज एंडेड सक्सेसफुली। आपको पता नहीं चलता है कब वो 50 में रुक गया क्या है, तो लेकिन टेस्ट जो है 100% सक्सेसफुल हो गया है। तो ऐसे ही दूसरे टेस्ट है, इसमें डायनामिक लूप टेस्ट, वॉल एनालिसिस टेस्ट, वॉल डेड बैंड टेस्ट, तो आपका ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हो। और ये डायग्नोस्टिक्स है, इसमें आप वॉल का पोजीशन मतलब क्या है डिवाइस स्टेटस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है अंदर। ग्रुप वन में रिजर्व हो गया, एक्चुअली ग्रुप जीरो में आपको मैक्सिमम दिख लेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। कैलिब्रेशन रिकमेंडेड वार्निंग, लोड फॉर क्लोज हाई वार्निंग, ये सब। तो इसका आप कभी वॉल काम नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो ये सब चेक करने से आपको मैक्सिमम एक आइडिया आ जाएगा क्या वॉल में क्या प्रॉब्लम है, मतलब पोजिशनर में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब आप देख सकते हो, ये सब जो है स्टेटस ग्रुप जीरो में दिखेगा आपको। पोजिशनर इन्फॉर्मेशन, यूनिट्स आपको डिवाइस लॉक एक ऑप्शन दिया है, ये आप डिवाइस लॉक कर सकते हो, कभी लॉक का स्टेटस दे सकते हो तो ये अनलॉक रहेगा, स्टेटस अनलॉक है, और लॉक भी आप कर सकते हो, ऑप्शन दिया है लॉक करने के लिए। डिवाइस लॉक करेंगे तो अच्छा नहीं है, अगर इमरजेंसी में अगर पड़े लोकल डिस्प्ले में काम करना है तो आपको फिर से हार्ट पकड़ना पड़ेगा। तो ये सब ये पैरामीटर से मैं आपको दिखाया हूँ। तो जो इनपुट, ये जो मेन डिस्प्ले है इसमें ज़्यादातर आपको मिलियम्स दिखाएगा, जो मिलियम सोर्स आप दिए हुए हैं, और ये पोजिशन का टेम्परेचर दिखा रहा है और सप्लाई प्रेशर दिखा रहा है। ये सब बेसिक पैरामीटर्स है, आप ये सब एडजस्ट करके आप वॉल का जो आपका ऑपरेशन और वॉल टाइप का ऊपर निर्भर रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय एंड टेक केयर।